नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा और तेज हरियाणा के एक सांझे प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आपको हम जानकारी दे दें कि साझा प्लेटफॉर्म जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ ही आगामी जो है वो खबरें हम आप लोगों को जो है वो दिखाएंगे। तो ऐसे में आज जो हम जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो डेरा जगमाल वाली का मुद्दा है। काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा था, गद्दी को लेकर के काफ़ी विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ था। कुछ लोग जो है वो महात्मा वीरेंद्र के गद्दी पे बैठने के समर्थन में थे, कुछ लोग जो है वो खिलाफत में थे। तो ऐसे में उन तमाम चर्चाओं पर जो है वो अंकुश लग चुका है। वो अंकुश लगने का कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो पूर्व डेरा मुखी संत वकील चंद जी थे, वकील साहब जो थे, उनके परिवार के लोगों ने जैसे ही उनकी अंतिम अरदास हुई उसके बाद जो है वो सर्वसहमति के फैसले के साथ महात्मा वीरेंद्र को गद्दी पे जो है वो विराजमान कर दिया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो गद्दी पे बैठने के बाद महात्मा वीरेंद्र ने साफ तौर पे यही कहा है कि जब तक पूरी संगत इसमें एग्री नहीं होगी तब तक जो है वो आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या सत्संग पे या दर्शन देना या जो भी आगामी जो रूपरेखा होती उस पे उसको अंजाम नहीं दिया जाएगा। ऐसे में परंपरा के अनुसार जो है वो गद्दी पे बैठना एक बहुत जरूरी था, क्योंकि डेरा की जो परंपरा है उसके अनुसार गद्दी को जो है वो खाली नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में इसी परंपरा को निभाते हुए महात्मा वीरेंद्र को गद्दी पे बैठा दिया गया है। अब ऐसे में जो है वो महात्मा वीरेंद्र भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है डेरे का वो भी लगातार जांच की मांग कर रहा है। अब ऐसे में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जैसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जो भी सही हकदार होगा उसको जो है वो गद्दी पे विराजमान होना चाहिए, ये दोनों पक्ष कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार जो है वो विवाद अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में पूरी जानकारी इस मामले की क्या है, महात्मा गद्दी पे बैठने के क्या मायने हैं, और जो महात्मा वीरेंद्र के समर्थन में लगातार लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रहे थे उनके क्या कुछ मायने, वो तमाम मुद्दों पे जो है वो हमारे साथी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था के हरियाणा तेज हरियाणा का कॉम्बिनेशन के साथ गुरविंदर पन्नू जो है वो वहां पे लगातार मौजूद थे। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। गुरविंदर, सबसे पहले तो जानना यही चाहेंगे, लगातार लोग भी जो है वो वीडियोज को देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ महात्मा वीरेंद्र के समर्थन में है, कुछ असमर्थन में है, विपक्ष में है। तो इस मामले की अगर बात करें तो अब महात्मा वीरेंद्र को गद्दी पे बैठा दिया गया है। हालांकि महात्मा वीरेंद्र ने खुद ने भी ये कहा था कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है, तब तक वो जो है वो सत्संग वगैरह जो है वो नहीं करेंगे। तो इस बारे में क्या लगता है, क्या मतलब कि इसको आप मान के चलें कि सच्चाई क्या आनी चाहिए या क्या हो सकती है? देखिए रमेश, क्योंकि लगातार हम लोग उसको कवरेज कर पा रहे थे और मुझे लगता है ये विवाद एक तरीके से थम गया और थमना भी चाहिए था, क्योंकि एक डेरे की, इस डेरे की सबसे बड़ी परंपरा जो मस्ताना शाह बलूचिस्तानी आश्रम की रही है, यहाँ पर कभी भी इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं। क्योंकि जो पूज्य संत थे वकील साहब जी, उनका एक ही मोटिव रहा कि संगत को किस तरीके से राम नाम से जोड़ा जाए, वो सुमरण पर ही जोर देते थे। इसलिए जितनी भी डेरों की खबर कभी भी अगर किसी तरीके से आई, लेकिन उनमें एक को बड़े निरोल तरीके से देखा गया, वो था डेरा जगमल वाली जी। लेकिन संतों के चोला छोड़ने के बाद जो गद्दी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसमें देखिए दो चीज़ें बहुत निकल कर सामने खुलकर आई। एक पक्ष ये चाह रहा था, वो भी डेरे का ही पक्ष था, डेरे के प्रेमी लोग हैं, वो ये चाह रहा था कि इस गद्दी को जबरन तरीके से लिया गया है, बाबा जी को किसी प्रेशराइज तरीके से उनको इस बात के लिए विवश किया गया कि वो गद्दी वीरेंद्र महात्मा को दें। लेकिन वो पक्ष साथ में ये भी चाह रहा है, ये आरोप भी लगा रहा था, लेकिन ये भी चाह रहा था कि इसकी कोई न्यायिक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो इसमें स्पष्ट बात यह है कि महात्मा वीरेंद्र ने खुद खुलकर मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट किया कि संगत ही सतगुरु का रूप है, और मैं चाहता हूं कि जब तक संगत खुश नहीं हो जाती, संतुष्ट नहीं हो जाती, मैं गद्दी पर बैठूंगा नहीं। तो उन्होंने खुलकर सामने आकर मीडिया को यह कहा कि मैं भी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। अगर किसी के पास कोई तथ्य हैं, कोई फैक्ट हैं, किसी के पास कोई ऐसे एविडेंस है कि वो अगर ये चाहता है कि गद्दी ये गलत तरीके से दी गई है, गद्दी किसी और को दी जानी चाहिए, तो वो लोग सामने आए, कोई न्यायिक प्रक्रिया में किसी CBI से, किसी भी एजेंसी से जाँच हो तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मसला खत्म हो जाता है कि विवाद खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा पक्ष मतलब ये कह रहा है जो गद्दी, जिसको गद्दी निश्चित किया जाना है, कि मैं किसी बात को राजी नहीं करता, तो वो हर बात के लिए राजी हैं। अब सबसे बड़ा मसले पर इसलिए प्रश्न चिन्ह अपने आप ही खत्म हो गया कि पंचायती तौर पर
अब महात्मा वीरेंद्र को गद्दी सौंप दी गई है, जिसमें पूज्य संतों का खुद का परिवार, उनके भाई, उनकी बहन जो है, उन्होंने खुद आशीर्वाद महात्मा वीरेंद्र को दिया और कहा कि आप आगे से गद्दी को संभालिए। तो अब मुझे लगता है कि अब अगर इसमें किसी भी तरीके से कोई भी स्वतंत्र एजेंसी या फिर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से जाँच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन किसी तरीके का विवाद खड़ा होने का मुझे लगता है कोई प्रश्न अब बाकी नहीं रह गया है। ठीक है, जिस प्रकार से दूसरा पक्ष जो है वो लगातार मैंने काफी सारे वीडियोज भी देखे थे उनके नीचे नेगेटिव कमेंट कर रहा है कि महात्मा वीरेंद्र को गद्दी नहीं दी जानी चाहिए, ये कभी जो है वो उनकी जगह पे नहीं बैठ सकते, लेकिन जो वसीयत का जो जिक्र चल रहा था, क्योंकि उनके पक्ष में लगातार जो है वो कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा था। एक तो वो वकीलों के सामने, वकील साहब भी उसमें वहां पे बैठे थे, वकील के सामने जो लॉयर है उनके सामने वो वसीयत जो है वो पढ़ी जा रही थी, वो वीडियो आया। उसके बाद में उनके वसीयत की कोई डायरी के कुछ पन्नों के अंदर वकील साहब ने खुद अपने हाथ से लिखा था, वो सामने आया। वकील साहब के पुराने जो दोस्त हैं जो 1960-65 से वकील साहब के साथ रह रहे थे, उनका वीडियो सामने आया। यानी कि अलग अलग तरीके से जो लोग भी महात्मा वीरेंद्र को ही जो है वो उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दिए। इवन कि जो वकील साहब का परिवार के लोग थे, विष्णु बिश्नोई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस मामले में दूसरा पक्ष जो है वो उसका अभी तक कोई इस तरह से वो सामने नहीं आया कि उनको गद्दी दी जानी चाहिए तो क्यों दी जानी चाहिए। महात्मा वीरेंद्र के पास मान लिया कि तथ्य थे उनके सामने, तो इस बारे में क्या कुछ लगता है? क्या वो वीडियो सारे के सारे जो मैनिपुलेट किए हुए थे, क्या वो जो वीडियो जो वकील जो वसीयत के बारे में बता रहा था वो मैनिपुलेट किया हुआ था, क्योंकि सर्दियों का वीडियो था, तो इसको लेकर के क्या आपके सामने आया? वहाँ पे आप डेरा में रहे तो लोग क्या कह रहे थे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात रमेश इसमें ये है कि जो दूसरा पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये वसीयत दबाव में की गई है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, लेकिन दूसरे पक्ष के पास किसी तरीके का कोई एविडेंस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस होता, उसके खिलाफ कोई ऐसा वीडियो सामने आता जिससे ये जाहिर होता कि वो वीडियो किसी प्रेशराइज तरीके से तैयार की गई है या फिर बाबा को इस तरीके से किसी दबाव में लिया गया है, हालांकि उनका एलिगेशन बहुत गंभीर था, लेकिन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पक्ष महात्मा वीरेंद्र का इसलिए हो जाता है कि दूसरी जो पक्ष डेरे का, ये जो पक्ष था डेरे के जो प्रेमी लोग हैं वो उस पक्ष के सामने, वो दूसरा जो महात्मा वीरेंद्र का पक्ष है उसको वो जुठला नहीं सके हैं, उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लेकर आए। इसलिए महात्मा वीरेंद्र के पास वो लाल डायरी है जो खुद पूज्य संत वकील साहब जी ने लिखी है, क्योंकि ये चीज़ें हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि हमने ये प्रश्न सारे के सारे वहाँ पर पूछे हैं जी। हम उन्हीं प्रश्नों के आधार पर कह रहे हैं, ना कि हम किसी तरीके से कोई टिकट अपनी अपने तरीके से कर रहे हैं, हम कोई पैरवी नहीं कर रहे किसी की, हम किसी की कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष अगर मीडिया के सामने कोई भी ऐसा एविडेंस लेकर आता है जो वो कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया, तो दबाव का भी कोई गवाह होना चाहिए, कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी वसीयत ही फर्जी है तो फिर असल वसीयत कहाँ लिखी गई, वो भी सामने आनी चाहिए। लेकिन ये साफ है कि जो पूज्य संतों ने खुद वसीयत को लाल डायरी में लिखा और उनके उनसे 4 साल बड़े जो उनके खुद के परम मित्र सुमेर सिंह एडवोकेट है पंजाब से, वो उस वक्त मौके पे गवाह थे, उनकी बेटी मीनू वहाँ पर गवाह थी, डेरे के ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, नंदलाल ग्रोवर वहाँ पर मौजूद थे, एक और व्यक्ति है जो बाहर से वहाँ पर मौजूद था। तो इन लोगों के सामने करीब करीब 1.5 साल का ये सिलसिला रहा है। ये वसीयत कोई एक बार नहीं, बल्कि इसको पहले कच्ची डायरी पर खुद संतों ने लिखा, फिर उसको सुमेर सिंह से चेक करवाया गया, फिर उसको दोबारा रिटर्न में लिखवाया गया, फिर तीसरी बार लिखवाया गया, फिर उसकी डीड और रजिस्टर उसको करवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शायद थोड़ा और चले, लेकिन उतना ही मजबूत तब होगा जब दूसरा पक्ष कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर सामने आए। अब कहीं ना कहीं ये मान के चले कि दूसरा पक्ष जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लेकर के आया है, क्योंकि महात्मा वीरेंद्र के समर्थन में जो लोग भी आए हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें बुलाया गया, प्रेस को वहां पे बुलाया गया, ना कि प्रेस उनके पास जाकर के खुद लेकर के आई है। तो दूसरा पक्ष जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है, उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। और अगर बात करें तो इस एविडेंस होने के बावजूद भी, महात्मा वीरेंद्र के समर्थन में इतनी चीजें आने के बावजूद भी इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये एक मात्र ऐसा डेरा था जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थे। हाँ, किसी बात को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो पहले विष्णु के द्वारा भी कहा गया था कि इस डेरे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, दूसरे जो डेरा के लोग हैं वो आकर के इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहे हैं ताकि इस डेरा को कैसे न कैसे करके बदनाम किया जाए। रमेश, हो सकता है ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये खुद महात्मा वीरेंद्र ने भी खुलासा मीडिया के सामने किया, विष्णु ने भी किया है,
और भी इक्का दुक्का जो प्रेमी डेरे से, और खास करके जो पूज्य संतों का परिवार चौटाला से है, जिसमें उनके बेटे ओम प्रकाश जी की बात की जाए, उनकी बहन की बात की जाए, और परिवार के लोग, और खास करके इस इलाके की पूरी पंचायतें, जिसमें आप चोरमार पंचायत की बात करें, टप्पी की बात करें, आप खोखर की बात करें, कई सारी ऐसी नज़दीकी पंचायतें जिनका अच्छा खासा रसूख है, और वो डेरे के साथ सीधे तौर पर भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये डेरे को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि इस डेरे पर कभी कोई लांछन लगा ही नहीं। बहुत पाक पवित्र डेरे का रिश्ता है, वो सीधे का सीधा उनके फॉलोवर्स के साथ रहा जी, जी। और फॉलोवर्स का भी एक ही काम रहा है कि वो संतों के दर्शन करती थी और वो खुद क्लास लगाते थे। रमेश, आप सोचेंगे आज के दौर में 15-15, 20-20 घंटे वो बैठकर खुद सुमिरन करते थे डेरे में, और सुमिरन के बदले में लोगों को डॉलर से लेकर नोट तक बांटे जाते थे, सिर्फ इसलिए कि आप भक्ति करके देखिए। तो हो सकता है ऐसी साजिश हो, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है, जिस पर आरोप लगते हैं, कि हम भी डेरे के पक्षधर हैं, हम भी संतों से प्यार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर संतों से कोई प्यार करता है तो फिर उनके वचन, अगर उन्होंने वसीयत लिखी है, किसी को तो उत्तराधिकारी बनाना ही था उनको। जी, 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 जी। और ये बाबा जी का परिवार जो वो भी कह रहा है, सुमेर सिंह ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि फिर संगत बता दे कि फिर दूसरा उत्तराधिकारी है कौन। उन्होंने भी प्रश्न खड़ा किया जी, जी, जी। भी अगर महात्मा बीरेंद्र को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरा बता दीजिएगा जिसके नाम से लिखा है, और वकील साहब ने जो लिखा है उसको जनता एग्री नहीं कर रही है, तो इसमें मतलब कि सीधा सा यही है कि या तो वो सबूत ला करके दे कि ये फलाना बंदा है कि इसके नाम से वकील साहब ने जो है वो वसीयत करवाई है, नहीं तो फिर जिसको वकील साहब ने, क्योंकि वकील साहब का हुक्म जो था वो सिर मथे संगत के होता था, तो अब उन्हीं का ये लिखा हुआ है, उन्हीं का ही उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ, तो ये भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, यही जो डेरे का ये एक पक्ष है, डेरे का ये एक वो फॉलोवर्स डेरे के जो प्रेमी हैं, वो इस बात को खुद कह रहे हैं कि हमें संतों के वचन पर फूल चढ़ाने हैं। अब संत जब यहाँ से वो ज्योति ज्योत समा गए हैं, तो उनका जो एक वचन था वो उनकी वसीयत है, वो वसीयत में अगर उत्तराधिकारी डेरे का महात्मा वीरेंद्र को बनाकर गए हैं, वो संगत के हवाले उनको कर गए हैं, तो फिर वही पक्ष ये चाह रहा है कि हम संतों के साथ हैं, हम उनको यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनका जो वचन है हम उसको सर माथे पर रखेंगे। लेकिन अब इसमें खुद महात्मा वीरेंद्र ने मीडिया के सामने आकर बातचीत में कहा है कि मैं तब तक गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तब तक सत्संग नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई नामदान नहीं दूंगा, और मैं एक साधारण सेवादार के तौर पर डेरे का ट्रस्ट, डेरे की देखरेख करेगा, सारे कामकाज पहले की भांति देखेगा, लेकिन मैं एक सेवा और स्मरण करूंगा और एक आम सेवादार की तरह रहूंगा। ठीक, उन्होंने स्पष्ट किया है। चलिए शुक्रिया, अभी एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जो महात्मा वीरेंद्र को गद्दी पे बिठाया गया है, वकील साहब के परिवार के लोगों ने जो है वो उनको गद्दी सौंपी है, उसमें जो है वो जगमाल वाले गांव के भी पंचायत जो है वो यहाँ पे आई हुई है, तो वो पूरा क्या एपिसोड है, वो क्या वीडियो फुटेज भी हमारे सामने आई है, तो एक बार वो वीडियो देखिएगा जरा। महाराज वकील साहब ने गद्दी महात्मा वीरेंद्र जी को सौंपी है, हम गद्दी अब महात्मा वीरेंद्र को सौंप रहे हैं, अब वही मेरे के गद्दी मिशन। आप संसे ये बेनती है, जब तक कोई संगत की संतुष्ट नहीं होती, जब तक कोई जांच नहीं होती, महात्मा जी काम सेवादार की तरह सेवा करते रहेंगे ट्रस्ट की, और ट्रस्ट को संभालेंगे, और संगत की संतुष्ट हुई हमारी खुशी में खुशी। तो ऐसे में वीडियो आपने देखा कि वकील साहब के जो परिवार के लोग हैं वो महात्मा वीरेंद्र को जो है वो गद्दी पे विराजमान कर रहे हैं, और वहाँ पे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जो कि नारा है डेरा का, वो लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में महात्मा वीरेंद्र ने भी साफ तौर पे कहा है कि वो जब तक ये जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है वो ना तो प्रवचन देंगे, ना सत्संग करेंगे, ना नामदान देंगे, यानी कि एक मुख्य सेवादार की तरह जिस प्रकार से पहले डेरा की सेवा कर रहे थे उसी प्रकार से रहेंगे। अब महात्मा वीरेंद्र ने तो ये कह दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, यानी कि महात्मा वीरेंद्र भी ये चाह रहे हैं कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी तो जांच के बाद ही होगा, तो दूसरा पक्ष जो चाह रहा है वो भी यही चाह रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो जब तक ये जाँच पूरी कम्प्लीट नहीं हो जाती है तब तक पूरी संगत को भी चाहिए कि डेरा के ऊपर किसी भी तरह का कोई लांछन जो है वो नहीं लगाना चाहिए। अगर महात्मा वीरेंद्र के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं
कि इसने जो है वो जबरदस्ती हथियाई है गद्दी, और कल को अगर जांच में महात्मा वीरेंद्र सही पाए जाते हैं तो वो केवल महात्मा वीरेंद्र के ऊपर लांछन नहीं होंगे, वो डेरा के ऊपर लांछन होंगे, वो वकील साहब के ऊपर लांछन होंगे। इस बात को जो है वो ध्यान में रखते हुए कोई भी आप लांछन लगाते हैं तो उसको जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ जैसे ही जाँच हो जाती है तो जाँच होने के बाद जो तथ्य, जिस हिसाब से तथ्य दिए जाएंगे उन तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो वो कार्रवाई क्या होती है, किसको गद्दी मिलती है, वो के बाद पता लगेगा, लेकिन तब तक हम कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं। दोनों पक्ष जांच के लिए राजी हैं तो दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको भी जो है वो जांच एजेंसियों पे या जांच पे या जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है वो किसी भी नतीजे पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों गुरविंदर, यही होना चाहिए, आपकी क्या कुछ राय है इसके? बिल्कुल सही बात है। देखिए रमेश, जहां पर भी किसी की भावना जुड़ी हो वो बहुत सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दा होता है और हम भी उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। देखिए हम लोग भी उसी समाज की, मतलब उसी धारा में रहने वाले लोग हैं। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ जो डबवाली से पुलिस जिला की आईपीएस दीप्ति गर्ग हैं, उन्होंने भी ये अपील की है कि लोग संयम बना के रखें, शांति बना के रखें, ताकि डेरे की गरिमा पर किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा ना हो। अब जब महात्मा वीरेंद्र कह रहे हैं कि शांति रहनी चाहिए, डेरे में सेवा सिमरन चलता रहना चाहिए, और मैं किसी गद्दी पे नहीं बैठ रहा, मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझ रहा, मैं भी एक संगत का अपने आप को हिस्सा मान रहा हूँ, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर संगत को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है संगत को श्रद्धा के साथ सिमरन करना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने सतगुरु मुर्शिद पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर वो संगत, अगर वकील साहब को मानती है तो फिर उनके वचन को भी मानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, उनके मन में कोई डाउट, शंका, कोई सवाल है तो उनको उसकी जांच पूरी करवानी चाहिए और शांति भी बना के रखनी चाहिए, ताकि डेरे की गरिमा पर कभी कोई सवाल किंतु परंतु का ना उठे, क्योंकि ये डेरा कभी भी विवादों से ग्रस्त नहीं रहा है। बहुत पावनता के साथ लोग इसको, गरिमाई तरीके के साथ इसको लोग देखते रहें, तो उसी तरीके से इस डेरे की मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए। और डेरे की परंपरा होती है, ये तो बाबा जी के परिवार ने कहा है, उनके बाबा साहब के जो बड़े भाई हैं शंकर लाल जी, उन्होंने कहा है कि डेरे की रस्म होती है, गद्दी को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो इसलिए पूरे परिवार ने बैठ कर पंचायती तौर पर फैसला लिया कि एक बार जो पगड़ी पहनाने की रस्म है वो वीरेंद्र को दी जाए, उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए। अब डेरे का जो ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वही डेरे का सारे का सारा संचालन करेगा, वहीं से डेरे की तमाम गतिविधियां चलेगी। और फिलहाल पुलिस का वहां पर पहरा है, कुछ हद तक सिक्योरिटी लूज की गई है, लेकिन पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद ही आपको डेरे में एंट्री मिलेगी। कहीं ना कहीं इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी मुस्तैदी यहाँ पे हमें देखने को मिली, क्योंकि इतना बड़ा लग रहा था, नेट बंद कर दिए गए थे कि कोई बवाल होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन वहाँ पे पुलिस की इसको समझदारी कहेंगे, मुस्तैदी कहेंगे, जिससे कि ये जो बहुत बड़ा बवाल होने से टल गया जाहिर तौर पर, क्योंकि जैसे ही डबवाली पुलिस जिला को एक आईपीएस अधिकारी दीप्ति गर्ग मिली तो हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, हालांकि डेरे ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है। डेरे ने खुद कहा, डेरे की मैनेजमेंट ने, कि हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, कोई टकराव नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व बीच में ही होते हैं। जो लोग चाह रहे थे कि डेरे में कोई दो गुट भिड़ जाएं, सबसे पहली बात है रमेश, डेरे में कोई गुटबाजी है नहीं है, मुझे जो लगता है डेरे में कोई गुट नहीं है, एक नाराजगी का हिस्सा था डेरे का, डेरे के प्रेमी लोग, फॉलोअर्स लोग हैं, उनकी नाराजगी गद्दी को लेकर थी कि इसमें कोई दबाव है, कुछ भी है, सो कॉल्ड जो हमने बातें करी है। लेकिन प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत शालीनता के साथ और श्रद्धा के साथ डेरे के तमाम मर्यादाओं में रहते हुए, देखिए 16 टुकड़ी तो वहाँ पर आरएफ की लगाई गई थी, 3 जिलों की पुलिस वहाँ पर लगाई गई थी, इतने हेडक्वार्टर डीएसपी वहाँ पर लगाए गए थे, 3-3 एसपी वहाँ पर थे, लेकिन एडीजीपी खुद वहाँ पर थे। तो आप देख सकते हैं पुलिस बहुत मुस्तैद थी, कहीं ना कहीं कोई और डेरे की तरह वहाँ पर कुछ ऐसा एपिसोड ना हो जाए, ऐसे दंगे ना हो जाए, तो उनको रोकने के लिए पुलिस ने बहुत पहले से अपनी पैनी नजर रखी, सीआईडी खुफिया तंत्र ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की और मीडिया ने भी, खास करके सिरसा के पूरे मीडिया ने बहुत उस मुद्दे को पॉजिटिविटी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का काम किया। तो हम भी हर भावना की कदर करते हैं और लोगों की भावना अगर किसी के प्रति है तो वो हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरी रहनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए, हम भी उसकी कदर करते हैं। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये पूरे एपिसोड में जो भी हमने
ऑब्जर्व किया था डेरा में जा करके, जो कवरेज की थी, जो हमें लगा था, वो हमने आपके सामने जो है वो पूरे तथ्य जो है वो रखे हैं। अब ऐसे में आप लोग इस पूरे एपिसोड को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो हमने बातचीत जो डेरा की जो गरिमा थी या जो भी पूरा प्रकरण हुआ था उसको लेकर के हमने पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। लोग वाद विवाद प्रतिवाद लगातार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे में ना तो हम वीरेंद्र का पक्ष यहाँ पे ले रहे हैं, ना हम दूसरे पक्ष का पक्ष जो है वो ले रहे हैं। हमारा तो बताने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो तथ्य थे उन तथ्यों के आधार पे जो है वो वीडियोज लगाई गई, जो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनको जो है वो हमने दिखाया। दूसरा पक्ष अगर आता तो हम उसको भी दिखाते, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो नहीं की थी। ऐसे में लोगों को लगता है कि वीरेंद्र के पक्ष के हैं, इसके पक्ष के नहीं हैं, तो दूसरा पक्ष हमारे पास अगर आता तो हम उसका भी दिखाते, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि आने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, जिसका जवाब शायद या तो उनके पास नहीं था या फिर वो किसी और कारणवश जो है वो नहीं आ पाए होंगे। अगर इन फ्यूचर भी अगर वो आते हैं तो उनका भी पक्ष जो है वो बिल्कुल बेबाकी के साथ जो है वो दिखाया जाएगा। फिलहाल वीरेंद्र का पक्ष जो है वो लगातार प्रूफ के साथ, वीरेंद्र महात्मा वीरेंद्र खुद जो है वो प्रूफ लेकर के कैमरा के सामने आए, और इवन तक उन्होंने तो ये तक भी कह दिया है कि जब तक इसकी जाँच कम्प्लीट नहीं हो जाती वो पूर्णतः गद्दी पर नहीं बैठेंगे। गद्दी की परंपरा को जो है वो बनाए रखने के लिए एक बार उनको पगड़ी जो है वो जरूर पहनाई गई है, लेकिन तब तक जो है ना तो सत्संग करेंगे, ना नामदान देंगे, ना कोई और जो डेरा की एक्टिविटी जो होती है एक मुख्य संत की, उन एक्टिविटीयों में हिस्सेदारी जो है वो नहीं लेंगे, एक मुख्य सेवक की तरह ही काम करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे वीरेंद्र का यहाँ पे ये जरूर कहना चाहेंगे, अगर उनको गद्दी की लालसा होती तो पगड़ी उनके सर पे आ चुकी है, गद्दी पे उनको बिठाया जा चुका है, तो वो जो है वो आगे डेरा की एक्टिविटी के अंदर भी जो है वो हिस्सा ले सकते थे, लेकिन नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पूज्य संत वकील साहब के जो थे उनको कहीं ना कहीं जुटलाने का प्रयास जो है वो ना किया जा सके। तो ऐसे में हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है आपके आगे कि आप भी जो है वो जांच में सहयोग कीजिएगा, तब तक जो है वो किसी तरह की कोई बयानबाजी या किसी तरह का हुड़दंग या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो घटित होने से बचाने में लगातार जो है वो सहयोग करते रहिएगा। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की और अनेकों जानकारियां अगर पाना चाहते हैं खेतीबाड़ी से संबंधित या दूसरी डेली के अपडेट से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो के हरियाणा तेज हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को लगातार फॉलो और लाइक जो है वो कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।